कि वो ऊपर के नीचे से बोले अपोनेंट अंदर आता हुआ उसको बंद मशीन गिराया उसको बंद गद्दा मारा अपोनेंट ने रोक के जो थपक देते हैं मारे वन पेज का भाई ऊपर के नीचे से अपोनेंट ये भाई अंदर बैठते हुए जो चक्कर लिए बाहर निकाला गद्दा मारा बहुत तेजी से गद्दा मारा अपोनेंट ने शुभम का इस पतन से चौथा पेज है ऊपर से शुभम अंदर जाते हुए नीचे से अपोनेंट बैठे बीच में बाहर चले ये पानी खड़ा खींच दिया ये तो बंद मतलब गद्दा बन गया ये गलत मतलब लपेट दो मार करना भाई नीचे से ऊपर से पोलिंग कार भाई खड़ा खींचे पोलिंग ने बैठा ये गद्दा मारा पोलिंग ने देख ली सा कदवा खाली आंख ही बंद करके लाइन जाना यार मारे दो गद्दा खाली छोटू भाई नीचे से ऊपर से पोलिंग छोटू भाई अंदर टेढ़ा करा के जगह लेते हुए पोलिंग पतंग रखा छोटू भाई और मिल गए अपोनेंट ने निकल के पतंग बाहर दिखाई छोटू भाई चला रहे अपोनेंट का बाहर आया अपोनेंट कट्टा मारा ये छोटू भाई ने अंदर थपका मारा देखा लिया अभी अपोनेंट बाहर आते हुए अपोनेंट अंदर का गत्ता मार रहा है अंदर गत्ता मार रहा है छोटू भाई रोके वो भी रोका उसको निकल के बाहर मारा छोटू भाई ने पलट के मारा पट छोटू भाई ऊपर से नीचे से पोलिंग नाटे भाई है सॉरी नाटे भाई है ऊपर से नाटे भाई ने गद्दा रखा तो निकल के गद्दा मारा पोलिंग में पट मारा शानदार पेज गद्दा मार दिया शुभम भाई ऊपर से नीचे से पोलिंग पोलिंग अंदर आते हुए सुबह में पतंग रखे अंदर जाते हुए सुबह में ये पोलिंग आते हुए दूरी लगे दूरी खास तरफ जा रहे हैं सुबह में निकल के पतंग चलाए अंदर आए एक तुम भाई ने गट्टा मारा पोलिंग ने बाहर तेजी खींचा एक तुम भाई ने शानदार गट्टे मारा ऊपर तो सोमल भाई नीचे तो पोलिंग सोमल भाई गट्टा मारे पोलिंग के बाहर खींचा
सोनू भाई ने निकल के पत्ता मारा और अपोनेंट ने बहुत खड़ा जीत दिया। सोनू भाई का पेट कट गया। बंदा ऊपर से उनका तीसरा पेट होगा उनके गहरे में जाते हैं। फोन फेंक दी भाई बीच में बैठे ये बाहर बैठा बनाया ये गट्टा मारा अपोनेंट ने अंदर खींचा। शुभम भाई ने शानदारी से गट्टा मार दिया। बहुत अच्छा पेच और ऋतिक साथ तीन पेच कंप्लीट कर दिए। आइए जतिन भाई की पतंगों का कलेक्शन देखते हैं। जतिन भाई राहुल की पतंगों के बहुत अच्छे शौकीन है, देख लीजिए आप सभी। सारी पतंग राहुल की है। ये पतंग कितनी भैया? त्रिमूर्ति। और राहुल की पतंग भैया लड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। सारे अत्ती का शौक हो रहा है चलते। ये हमारे इलाहाबाद के मशहूर कारीगर उदय जी की पतंग है। ये पौनी है। पौनताई पतंग। ये पतंग लखनऊ के मशहूर पतंगबाज गोपाल आहूजा जी की है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत पतंग है। ये त्रिमूर्ति की पतंग भैया। ये पतंग कब की है? सात साल देख सकते हैं। सात साल आठ साल पुरानी पतंग त्रिमूर्ति की भाई रखे हैं। भैया अपने स्टिकर दिखा दीजिए। भैया ए टू जेड काइटलर इलाहाबाद से लड़ाते हैं। जतिन केतरवानी इलाहाबाद के मशहूर प्लेयर। पढ़ते पांचवा पेज है पतंग ट्रेन का। नीचे सब कोने शुभम भाई गड्ढा मारा पोलन में बाहर खींचा। ये शुभम भाई के पांचवा जहांगार थी गड्ढा मार गया। शुभम भाई नीचे से ऊपर से अपोनेंट पतंग बाहर निकाला। छोटू भाई का दूसरा पेट एक पतंग थे। छोटू भाई अंगारी से बाहर खींच ले गए। सोने भाई निकल के बच्चा मारे सोने में मतलब बाहर खींचा। सोने भाई ने डबल कर लिया। डबल करके एक पचास शिवम भाई ऊपर से पद्दी में उठे। शिवम सुन अच्छा शिवम भाई ऊपर से नीचे से सोने
प्रतिभा भाई ने रखता मारा, अपोनेंट रोक के नीचे झटका मारा, राम भाई आकाश भाई नीचे से ऊपर से अपोनेंट, आकाश भाई ऊपर करते हुए ढंग का बाहर आया, आकाश जी पत्नी चला रहे गट्टा मारा अपोनेंट ने, आकाश भाई ने चांद आई तो बाहर खींचा और ये गट्टा पड़ गया बराबर से चला गया। लेट करके ठीक है।